शुभ सकाळ पिला माने केमती अछो आशा करछु समस्ते भलो रहथु। आज आमे पढ़िबा प्रथम श्रेणी रो नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा रो चैप्टर 3 पढ़िबा। कोन से धन्य आज ए विषय आज आमे पढ़िबा। पूर्व क्लास रे आलोचना हेतला, तमे सब पढ़ी के आछो त मन रखिछो त से धन्य विषय आज आमे पढ़िबा। गुरु वशिष्ठ को आदेश रे राजा दिलीप और राणी सुदक्षिण गुरु को कामधेनु गाई नंदी सेवा करथंती। किए सेवा करथंती? नंदिनी राजा दिलीप आउ राणी सुदक्षिणा। कहार गाई ना? गुरु वशिष्ठ गाई। से आश्रम गोटे गाई रखिथिले तार सेवा करछन। प्रतिदिन राणी नंदिनी को स्नान कराए फूलमाल चंदन अगुर आदि सजाई दिखती। आ राजा जंगल को चरई बाबा नि प्रतिदिन सुदक्षिणा राणी कौन ताको गाधे की फूल चंदन सब देकी तंको पूजा कर दिखते सजाई दिखती। तापर राजा ताको खाइबा को नहीं खाइबा को दबापाई जंगल को चरवा को जाते। हठात दिने एक सिंह नंदिनी को माड़ बसला। किए माड़ बसला? नंदिनी को गोटे सिंह। राजा धनुषर मार उद्यत हूँ। राजा कौन कले? राजा दिलीप थे जंगल नहीं चरवाई से कौन कले? राजा धनुषर मार उद्यत होते। राजा कौन धनुषर से सिंह को मार प्रस्तुत होते। तुणी रे हाथ लाखी रहा कौन से कांडसर धरते पछर कौन गोटे थी गोटे कांडसर मुणी पछर गोटे मुणी थी से कांडसर रोते से तुणीसर मुणी में कौन हाथ लाखिक रहा बाहर ना। राजा बड़ व्यस्त हेल्ला। राजा कौन बहुत व्यस्त सिंह कहला सिंह कहला माँ पार्वती को आदेश रे ए भावनी अरण्य मुझे जगवाड़ी। कौन कहले? माँ पार्वती को निर्देश रे यही अरण्य जगवाड़ी हूँ मो बिना अनुमति रे गाई जंगल रे पशिचे। मो बिना अनुमति सिंह अनुमति ने पुणी से जंगल रे से गाय पशि था से रागिक आसिकी माड़ बसला। मुझे मारि मो क्षुदा निवारण करी क्षुदा निवारण करी मान कौन मुझे मारिकी मो भुकिला मेटे बोली से कहला। किए ना? सिंह कहला। राजा बड़ काकुस्त हो गले। राजा कौन ताको नेहुरे हो कहले गुरु आज्ञा पालन कर मु नंदिनी को रखवाल हो गुरु आज्ञा पालन कर कौन मु नंदिनी सेवा कर रखवाल होदि आपको मारि दिखती मु गुरुद्रोही हो। राजा दिलीप कौन कहले जदि आप नंदिनी को मारिदे तेज मु गुरु पाखे गुरुद्रोही हो मते खाई भोग दूर करूँ पचे नंदिनी को छाड़ दिखाँ। राजा दिलीप कौन राजा दिलीप कौन कह मत मारिकी खाई दिंतु पचे नंदिनी को छाड़ी दिंतु। सिंह कहला आरे तुम्हें तो जड़े राजा नंदिनी सिंह सरी सिंह कौन कहला ना आरे तुम्हें तो जड़े राजा तुम्हें मरले राजा संभाल किए? सिंह कौन कहला तुम्हें तो जड़े राजा तुम्हें मरीगला पर राजा किए संभाल तुम्हें तो अपुत्रिक तुम कौन कहीं पुत्र सतान भी नहांती। छार गाईटी एपरी निष्पत्ति किपर से कौन कहला तुम्हें ये छार गाईटापी गोटे गाई तुम्हें एभली निष्पत्ति नौ गोटे गाई मैं तुम्हें गुरु को सही गाई दे पार से राजा ना से कौन कहले गोटे गाई मरीगले तुम्हें राजा को शहेटी गाई दे पार। सिंहर पाद धरी राजा आकुल प्रार्थना कले। सिंहर पाद कहार पाद? सिंहर पाद धरी कहले प्रार्थना कले गुरुद्रोही हुई बचा अपेक्षा मरीजा भल। से सिंहर पाद धरी कह कहले ना गुरुद्रोही हवा अपेक्षा मरीजाटा भल मत खातु। राजा दिलीप कौन कहते हैं ना मत खाई दिं नंदिनी को छाड़ दिं कौन कहले नंदिनी को छाड़ दे पचे मत खाई दिं। हटात सिंह उभान हो गला कौन सिंह कड़े माया है। राजा देखिले से सिंह से सिंहटा कौन ना से नंदिनी पाद धर। राजा दिलीप कहार पाद धर नंदिनी गाई पाद धर। नंदिनी कहले राजा धन्य तुम्हारा गुरुभक्ति। नंदिनी कौन कहला राजा धन्य तुम्हारा यही गुरुभक्ति गुरु को जी श्रेष्ठ मणे से ए जीवन धन्य गुरु को जी श्रेष्ठ मणे कौन से हूँ ता जीवन श्रेष्ठ ता जीवन धन्य तुम गुरुभक्तिर परीक्षा मुझे। नंदिनी गाई कौन कहला मु तुम गुरुभक्तिर परीक्षा ने परीक्षा रे तुम्हें उत्तीर्ण। नंदिनी गाई राजा दिलीप कौन कहला तुम्हें यही परीक्षा रे उत्तीर्ण एथिपाई मु तुमको वर प्रदान करुच्छे। नंदिनी गाई कौन कहला मु तुमको वर प्रदान करुच्छे तुम्हें स्वामी स्त्री मो क्षीरपान कले पुत्र लाभ कर
ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଆଉ ଦିଲୀପଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲା? ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈ କହିଲା, ତୁମେ ଯଦି ମୋ କ୍ଷୀରପାନ କରିବ ତେବେ ତୁମକୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ ହେବ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଦେଶରେ କିଏ କାମଧେନୁ ସେବା କରୁଥିଲେ? ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାଜା ଦିଲୀପ ଓ ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା କାମଧେନୁର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ କାହାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା? ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଂହ କାମଧେନୁକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। କାମଧେନୁ କିଏ? ଗାଈ। ଗାଈକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି କିଏ ନନ୍ଦିନୀର ଜଗୁଆଳ ଥିଲେ? ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ରାଜା ଦିଲୀପ ନନ୍ଦିନୀର ଜଗୁଆଳ ଥିଲେ। ଚାରି ନମ୍ବର, ରାଜା ଦିଲୀପ ସିଂହଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ରାଜା ଦିଲୀପ ସିଂହଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ମୁଁ ନନ୍ଦିନୀର ରଖବାଳ ହୋଇଛି। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର, ଭାବନୀ ଅରଣ୍ୟର ଜଗୁଆଳ କିଏ ଥିଲେ? ଭାବନୀ ଅରଣ୍ୟର ଜଗୁଆଳ ସିଂହ ଥିଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ? ରାଜା ଧନ୍ୟ ତୁମର ଗୁରୁ ଭକ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ ସେ ଜୀବନରେ ଧନ୍ୟ। ତୁମ ଗୁରୁ ଭକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ନେଉଥିଲି, ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ରାଜାଙ୍କୁ କି ବର ପ୍ରଦାନ କଲେ? ତୁମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ କ୍ଷୀରପାନ କଲେ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିବ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଖାତାରେ କରିକି ଆଣିଥିବ ଏବଂ ମନେ ରଖି ପଢ଼ିକି ଆସିଥିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।